श्रीमद्भगवद गीता महात की कलिपावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला प्रवेश में शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की ओम अज्ञानते वरदस्य ज्ञानंजना शबाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य स्थापित भूतले स्वयं रूप कदाहम ददाती स्वदिका वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतावगमन श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूप साग्र जात सहगण रघुनाथ सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु सब बोलो दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद्भगवद्गीता साक्षात भगवान स्वरूप है। श्रीमद्भगवद्गीता जे अरण्य अध्याय जो सामने पाठ करना सी देखो सजे गीता जो सार आए अथ संन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनि शूदन अर्जुन चयो हे भगवान वाहन वारा मां संन्यास यानी त्याग जो मकसद जानन चाया थो आई हे केशिय हे मारण वारा हे ऋषिकेश इंद्रियन जा मालिक मां त्याग वारी जिंदगी संन्यास आश्रम जो मकसद हो जानन चाया थो। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः भगवान चयो कर्म जे जो बुनियाद पृथ्वी इच्छाएं ते मदा रखी तो केंजी त्याग की विद्वान सन्यास सवन था आई सभी कर्मन जे फलन जे त्यागर के स्याणा मानु त्याग सवन था त्याजम दोष वदित ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म त्याजमिति चापरे।
कुछ विद्वान मानू उलान कन थातर सबनी किस्मत जी सकाम कर्मन के एकता यानी करे उनन के त्यागे चरण गुर्जे पर ब्या विद्वान मनी थातर यज्ञ दान ऐ तपस्या जेरन कर्मन के कदे त्यागण न गुर्जे निश्चयम् शृणु मे तत्र त्यागी भरत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ हाणे त्याग जे बारे में मुहिजो फैसलो बुध हे सिंह मुड़स शास्त्र में त्याग तीन किस्मत जो बुधायो वयो आहे यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव यज्ञो दानं तपश्चैव भावनानि मनीषिणां। यज्ञ दान ऐ तपस्या इन्हन कर्मन जो त्याग करण कदैव न तो जुगाए इन्हन के जरूर करण घुर्जे इनमें को भी शक न आए त यज्ञ दान ऐ तपस्या करण सा महात्मा शुद्ध थी रहता आने एतान यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन्हन सबने कर्मन के बिना के हिम फल की इच्छा रख दे पूरो करण घुर्जे। हे प्रथा जो पुत्र उन्हन के पहले फर्ज समझी करण घुर्जे ये हुई मुनि जो आखरी रायो आए नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहादस्य तु संन्यास मोहादस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हिदायत करनियत कर्मन जो कदही वो त्याग न करण घुर्जे जे कदही कोई मोह जी वस्ती पहिजन नियत कर्मन ऐं वर्जन जो त्याग करे थो त अहिड़ त्याग के तमोगुण में कयल चयो वेंदो आहे दुख मिथ्येव यत् कर्म काय केश भयात् त्यजे सकृत्वा राजसं त्यागम् नैवं त्यागफलं लभेत। जे को मनुष्य पहिजे मुकरण पर्सन के दुखन जो सबब समझे या शरीर जे कष्ट पहुंचन जे डप विचां त्यागे थो तो उन जो इहो त्याग राजसी चय हो आए ये करण सा त्याग मां हासिल थी तर उन्नति कदई को नथी मिले कार्य मित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते जुना संग्रम त्यक्ता फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन जनहि मानो के हिम मुकरण के फर्ज के पूरो करे तो छाकाण तो उहो हुन के करणो ही आहे ऐं समूल भौतिक वास्ता ऐं फल जे साहना के त्यागे थो छॾे तॾहिं हुन जो इहो त्याग सात्विक मञो वञे थो। न देव न दवि न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः। सतोगुण में स्थापित थे बुद्धिमान त्यागी जेको न ही अशुभ सा नफरत करे थो ऐं न कोई वरी शुभ कर्म सा लगाव रखे थो उन जे मन में कर्म जे बारे में को भी शक न थो हुजे। न हि देह विता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी जविरीयते। इन्हें में को भी शक न आए तर केहे को शरीरधारी जीव लाए सभी कर्मन के त्यागी शरण नामुमकिन आए पर जे को कर्म फल जो त्याग करे थो सो ही हकीकत में त्यागी छवाए थो।
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु संन्यासिनां वचे। जेको माण्हू त्यागी न आहे उन लाइ टिन किस्म जा कर्म फल, इच्छा वारा बिना इच्छा जे ऐं मिलावटी मरण खां पोइ मिलंदा आहिनि। पर जेके संन्यास आश्रम में आहिनि उन्हनि खे अहिड़ो फल कोन थो मिले जंहिंजे करे दुख या सुख भोगणो पवे। पञ्चैतानि महाभावो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये कर्म सर्वकर्मणां। हे महाबाहु अर्जुन, वेदन जे अनुसार सभी कर्म जे पूरे करण लाइ पंज कारण आहिनि। हाणे हुन जे बारे में मूंखां ॿुध। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्। कर्म करण जी जगह यानी शरीर, कर्म करण वारो जुदा जुदा इंद्रियों घणनि क़िस्म जा जतन ऐं परमात्मा, इहे पंज ई कर्म जा सबब आहिनि। शरीर वां मनो भिर्य कर्म प्रारभते नर ज्ञानं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवे। माण्हू पंहिंजे शरीर मन ऐं वाणीअ सां जेको बि सही या ग़लति कर्म करे थो सो इन्हनि पंज कारणनि जे नतीजे तौर थिए थो। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तुयः पश्यत्य कृतबुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मति। तंहिं करे जेको माण्हू इन्हनि पंजनि कारणनि खे न मञींदे रुगो पाण खे ई कर्ता मञे थो उहो पक ई पक सुञाणो कोन आहे ऐं उहो ॻाल्हि खे सही रूप में नथो ॾिसी सघे। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जेको मनुष्य कूड़े अहम भाव विचां कर्म नथो करे जंहिंजी बुद्धि जकड़ीअ न आहे उहो हिन संसार में माण्हुनि खे मारींदे बि नथो मारे न कोई बि पंहिंजनि कर्मनि सां बदजे थो। ज्ञानं येयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञान जो विषय ऐं ज्ञान जो ॼाण कर्म जी प्रेरणा ॾियण जी छा आहे, टिन क़िस्मनि जा सबब आहिनि इंद्रियो कर्म ऐं कर्म जे करण वारो, इहे कर्म जा टे जोड़ आहिनि। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा वशुणतान्यपि। प्रकृति जे टिन्ही गुणनि मुताबिक ई ज्ञान कर्म ऐं कर्ता टिन क़िस्मनि जा आहिनि। हाणे तूं मूंखां उन्हनि जे बारे में ॿुध। सर्वभूतेषु यन्नैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। उह ज्ञान जे द्वारा एक अणमंडल प्रकृति सभी जीव आत्माओं में डिठी थी वने चाहे उन्हें बेशुमार रूपन में विरायल आए उन्हें के सतोगुणी समझन घुर्जे। पृथक त्रेन तुर्यज्ञानम् नाना भावान् पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम् विद्धिराय।
जे ज्ञान सा मानू जुदा जुदा शरीरन में जुदा जुदा किस्म जा जीव ॾिसे थो उन खे राशि गुण में समझण घुर्जे। यत् कृष्ण वरे कस्मिन् कार्ये कार्ये सत्तम हरितुकम् अदत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। ऐं उहो ज्ञान जंहिंजे द्वारा माण्हू कंहिं बि क़िस्म जे कम खे सभु ॼाणी सचाईअ खे ॼाणण खां सवाइ उन में लॻो रहे थो सो तमो गुणी सॾाइजे थो। नियतम संग रहितम अरागरिषतः कृतम् अपर प्रेक्षुना कर्म यत् सात्विक उच्यते। जेको कर्म नियम मुताबिक आहे ऐं बिना लगाव जे बिना के मोहबत या वेर जे ऐं फल जी इच्छा न रखंदे कयो वञे थो उहो कर्म सात्विक चयो वञे थो। यत् कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसं मुदामृतं। पर जेको कर्म घणी मेहनत सां ऐं पंहिंजी इच्छा पूरी करण लाइ या वरी गुणे अहंकार सां भरिजी कयो वञे थो उहो रजोगुण वारो राजस कर्म चवाए थो। अनुबन्धं क्षयं हिंसां अनवेक्ष च पौरुषम् मोहादरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। जेको कम मोह बस्ती ऐं शास्त्र जे हिदायत जे बदिला बर्बादी ऐं हिंसा जे नतीजनि जे ऐं मुस्तक़बिल जे बंधननि में पवण जी परवाह न कंदे कयो वञे थो उहो कर्म तामसी गुण वारो चयो वियो आहे। मुक्त संगो नमं वारी ऋत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो न निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जेको माण्हू भौतिक गुणनि सां लाॻापो रखण खां सवाइ ई अहंकार छॾे संकल्प ऐं उत्साह सां पंहिंजो कर्म करे थो ऐं हार या खटण खे को बि पसंदि नथो रहे उहो सात्विक कर्ता सॾाए थो। रागी कर्म फल प्रेसु लुप्तो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जेको माण्हू कर्म ऐं कम जे फलनि में लॻल आहे जेको उन्हनि जे फल जो भोग करण चाहे थो ऐं जेको लालची ईर्ष्यालु अपवित्र ऐं ख़ुशीअ थोरे गम में डोलायमान थी वञे थो उनखे रजोगुण चयो वञे थो। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः षठो नैष्कृतिको लसः विशाली दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जेको माण्हू शास्त्र जे आदेशनि ख़िलाफ़ कम में कंदो रहे थो जेको दुनियावी ज़िद्दी कपटी ऐं ॿियनि जो अपमान करण में भर आहे आलसी सदाई वर्षंदड़ ऐं कम खे टाले रखंदड़ आहे उहो तमो गुणी चवाइजे थो। गुणतस्त्रिविधं शृणु रोच्यमानः शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। हे धनञ्जय हाणे मां तोखे जुदा किस्म जे अकुल ऐं सबर जे बारे में प्रकृति जे किन गुणनि मुताबिक विस्तार सां ॿुधाईंदसि सो तूं ॿुध। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये मन्दं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथाजा पुत्र उहा बुद्धि सतोगुणी आहे जंहिंसां इंसान ॼाणे थो त
कर्म वटा आहे न कहीं खां डिजण घुर्जे न कहीं शे बंधन में विजय थी कहीं मुक्ति ईंदर आहे। यया धर्म धर्म च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे प्रकाशक पुत्र अर्जुन जेका समझ धर्म ऐं अधर्म में करण जो के फर्ज ऐं न करण जे करणन के सही तरह परखे नथी सघे उहा राजसी बुद्धि यानी रजोगुणी मति आहे। अधर्मं कर्ममिति या मन्यते तमसाविता सर्वार्थं विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे प्रथा जपुट अर्जुन जेका बुद्धि अज्ञान ऐं अंधकार जी बस थी धर्म के अधर्म ऐं अधर्म के धर्म थी लेखे ऐं हमेशा उपदी राह राहू वञण जी कोशिश भी गुजे थी उहा बुद्धि तमो गुण वारी आहे। नित्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या तृतीय सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथा जा पुत्र उहो इरादो या इच्छा जेका विचलित नथी थिए ऐं जेके योग जे अभ्यास सां मुहक्कम रचे थो ऐं जंहिं सां मन ऐं इंद्रिय जी क्रियाउनि के वस में रखी सघिजे थो उहा इच्छा धृति सतो गुणी चई वञे थी। यया तु धर्म त्वामार्थान् धृत्या धारयति अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। पर माण्हूअ जी उहा इच्छा जंहिं करे हू धर्म अर्थ ऐं काम जे प्राप्तीअ लाइ सकाम कर्म जे फलनि में मज़बूतीअ सां लॻो रहे थो उहा धृति हे अर्जुन रजोगुण वारी आहे। यया स्वप्नं धरं शोकं विषादं मनमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा जेका समझ यानी बुद्धि सदनन खां डप शोक दुख ऐं मोह खां छुटकारो पाए नथी सघे उहा बुद्धि तामसी गुण वारी आहे। सुखम त्रिदानी त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासा रमते यत्र दुखांतं चरी गच्छति। हे भरत वंशियन में श्रेष्ठ हाणे मूंखां तूं टें क़िस्मनि जे सुख जे बारे में ॿुध जिन ज़रिए हिकु संसारी जी भोग माणे थो या जिन सां कॾहिं कॾहिं सभु सुखनि जो अंत थिए थो। यत्र अग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। उहा काल जेका शुरूअ में ज़हर वांगुर लॻे पर अंत में उन जो नतीजो अमृत समान हुजे ऐं जंहिं सां मनुष्य खे आत्म तत्व जो ज्ञान प्राप्त थिए हुन खे सतोगुणी ख़ुशी चइबो आहे। विषये इंद्रिय संयोगा जेको सुख इंद्रियनि जो पंहिंजनि विषयनि सां मेलाप थियण सां मिले थो ऐं जेको शुरूआत में अमृत जीअं लॻे थो ऐं पर जंहिंजो नतीजो ज़हरीलो हुजे थो उहो रजोगुणी सॾिजे थो। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदावृतम्। ऐं उहा ख़ुशी जंहिं सां मनुष्य आत्मज्ञान ताहूं अंदो थिए थो जेका शुरूअ खां पिछाईअ ताईं मोह में विझंदड़ आहे ऐं जेका सुस्ती निंड
आणि अज्ञान जी पैदाइश आहे सा तमोगुणी आहे. नदरसी पृथ्वीनांवा देवी देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृति चैर्मुक्तं यदि स्याति विर्गुणै. एरोको मानु कोने इन लोक में या देवताओं के ऊंचे लोक में जेको कुदरत जे इन टे गुणन का जे असर खान छुटल आए. ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणै. हे परन्तप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आणि शूद्र प्रकृति के गुण मुताबिक पैदा की दर पाइजे पाइजे खासियत मोजब सुनाता वजन था. शमो दमस तप शौचम शांति राजव मेवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम. शांति में रहण आत्म संयम रखण तपस्या पवित्रता सहनशीलता सच्चे निष्ठा ज्ञान आई विज्ञान परायण आई धर्म का मुताबिक व्यवहार करण ये सब ब्राह्मण जो स्वाभाविक खासियत आने. शौर्यम तेजो धृतिर्धाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम. बहादुरी तेज ताकत महत्व इरादो होशियारी लड़ाई करने की हिम्मत उदारता और कयादत ये सब एक क्षत्रिय का स्वाभाविक गुण है. ऋषि गौरक्षमाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम. खेती बारी गांव गांव की रक्षा धंधो व्यापार करण ये एक वैश्य का स्वाभाविक कम आने. व्यंज सेवा आई नौकरी करण ये शूद्र का स्वाभाविक गुण आने. स्वे स्वे कर्मण्य निरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु. पाहिजे पाहिजे कर्म जे गुणांचे मुताबिक हलते हर वो मनुष्य महारत हासिल करे सके तो आणि मुखा इहो सर्वपुत्र त इया किह करे सके तो. यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं मिदं ततं स्वकर्मणां तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव. भगवान जेको हर हंध हाजिर आहे आई सभी प्राणियों की पैदाइश जो कारण आहे उनकी पूजा करण सा मनुष्य पहिजो फर्ज निभाईंदे महारत हासिल करे सके तो. श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठिता स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाम नोति किल्विषम. बी जो कम खड़ी उनके भली भेद निभाने का परिचय कार्य में लगो रमण बेहतर आए. चाहे कोई उनके पूरी तरह न मुतले सके छाकाण कर पहले स्वभाव मुताबिक कर्म करल पहला फर्ज धर्म कदही वो पाप जो फल न लीता आगे. सहजं कर्म कौन्तेय सदोषं विधि न त्यजे सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्नि निवारिता. हर दिन शुरुआती कोशिश में कान का खामी भूली आए जेड़े तरह भाई धूमे से गलियत थी, थी आए उन करे हे मुंत्री पुत्र कहें के वो पहले स्वभाव अनुसार पैदा थे कर्म के त्याग न गुर्जे चाहे उन कम में दोष मुझे. असत बुद्धि सर्वत्र
चेतात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासेनादि गच्छति। जेको पाण ते संयम रखे तो ऐं कंहिं में बि मोह न थो रखे ऐं संसारी सद्भोग जी परवाह न थो करे वो संन्यास जे अभ्यास द्वारा कर्म फल खां मुक्ति जे वॾी सिद्धि हासिल करे सघे थो। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोदीरि बोधमे समासे नैव कौन्तेय निष्कारणस्य या परा। हे अर्जुन, कर्म जे फलन खां मुक्त थी करे पूर्णता हासिल करण वारा मनुष्य मुंहिंजे ॿुधायल मार्ग ते हली ब्रह्म के यानी ज्ञान की उच्च अवस्था से क्यों पहुंच सके तो या लाल तो मुखा से बुद्ध्या विशुद्ध युक्तो नित्यात्मान नियम्य शब्दादि विषय त्यक्त्वा राग द्वेषो व्युदस्य च विविक्त सेविदद्वाशी यत्तवाक्काय मानसा ज्ञान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममं शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। परिची बुद्धि भी शुद्ध करे महकम इरादे सां मन के वस में करे इंद्रिय के तृप्त कंदर भौतिक शरीर जो त्याग करे लगाव ऐं नफरत का आजो थी। जेको मनुष्य एकांत में रहे तो जेको थोड़ो भोजन खाए तो पंहिंजे शरीर मन ऐं वचन वाणीअ के वस में करे तो ऐं सदा समाधि वारी हालत में रहे तो विरक्त हुजे तो कूड़े अहंकार खां कूड़े मन खां कूड़े स्वाभिमान खां परे आहे ऐं वासना ऐं क्रोध ऐं संसारी शेवन में शयूं भेरण जे लालच खां मुक्त आहे मालिक पिणीअ जे कूड़े भाव खां आजो आहे ऐं शांत स्वभाव वारो आहे। अहिड़ो मनुष्य निश्चय सां आत्म दर्शन पाए पाइण जे दर्जे ते पहुचे थो। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम्। उह जेको इन तरह आध्यात्मिक स्थिति में आए एकदम परम ब्रह्म जे अनुभूति करे थो ऐं पूर्ण खुशी पाए थो। हू न कॾहिं पछताए थो न वरी कंहिं शइ जी इच्छा करे थो। हर प्राणी तरफ हू समान भाव रखे थो। अहिड़ी स्थितिअ में हू मुंहिंजी शुद्ध भक्तिअ वारी शेवा प्राप्त करे थो। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनन्तरम्। कोई भी हू परम पुरुष भगवान के मुझे असली रूप में फकत शेवा भक्ति सां ही समझी सघे थो ऐं जॾहिं हू अहिड़ी भक्ति शेवा द्वारा मुंहिंजे बारे में पूरो ज्ञान हासिल करे थो तॾहिं ई हू मुंहिंजे वैकुंठ धाम में प्रवेश करे सघे थो। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रय मत् प्रसादावाप्नोति शाश्वतम् परमव्ययम्। मुंहिंजो शुद्ध भक्त हर किस्म जे कम में रुधल रहंदे बि मुंहिंजो आसरो वठी मुंहिंजी कृपा सां सदा दायम कायम कॾहिं बि न नासींदड़ मुंहिंजे लोक में पहुचे थो। चेतसो सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम् उपाश्रित्य मच्चिन्तः सततम् भव। सभी कर्मन करण में मुंह ते भरोसो रख ऐं हमेशा मुंहिंजी पनाह वठी करे कर्म कर। अहिड़ी भक्ति में शेवा कदे
वक्त सदाई मुझो ध्यान कर। मच्चित सर्व दुर्गाणी मर प्रसादातरिष्यसी अथ चेत्वं महंकारं न श्रोष्यसी विनक्षति। जे कदन की तो गुरु जी चेतना में कायम आही तब गुरु जी कृपा सा तो माया सा बदल जिंदगी जे सभी उनक कथा लगे पार पवते। पर जे तू तो अहिड़ी चेतना में व्यवहार न तो करी त आई मोके न तो बुधी थोड़े अहंकार जे बस थी करू करी तो तब तू तो नास थी वेले। यद अहंकारं आश्रित्य नयोत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वामियोक्ष्यति। जे कर तू मुझे हिदायत न मनगे थोड़े अहंकार के बस थी युद्ध न करे तब कोई गलत रस्ते ते वेंदे तो के पंहिंजे स्वभाव मुझे लड़ाई करनी पवंदी। स्वभाव जे न कौंतेय निवर्थ स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोचोपित। ओ बुद्धि जा पुट हींअर तू मोह जे मोह में पइजी मुंहिंजे हिदायतन मुझे कर नथो करे पर पोइ पंहिंजे क्षत्रिय स्वभाव जे करे बेवस्ती साॻियो ई कर्म कंदे। ईश्वर सर्वभूतानां निर्देशोऽर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यत्तारुणानि मायया। ओ अर्जुन परमात्मा सभी प्राणियों के दिल में वासो करे थो आई खे ई घुमाए रहो आहे जण फूके माया भी यत्र ते बैठल हुजे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशी अर्जुन पूरी तरह सां तू हिन जे शरण में वञ हुन जे कृपा सां तू परम शांति हासिल करे ऐं संदस दायमा धाम में तोखे स्थान मिलंदो। इति ते ज्ञानमाख्यातम् दुर्यातुर्यतरं मया विविश्ये तदशेषेण यदेच्छसि तथा कुरु। अहिड़ी तरह मूं तोखे इहो तमामु ॻुझो ज्ञान समुझायो आहे इन ते तूं चङी तरह सोच वीचार कर ऐं पोइ जेकी तूं करणु चाहीं थो उहो कर। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति सतो वक्ष्यामि ते हितम्। छाकाणि त तूं मुंहिंजो प्यारो दोस्त आहीं इन करे आउं तोखे पंहिंजो ई परम आदेश ॿुधायां थो जेको तमामु ॻुझो ज्ञान आहे इहो तूं मूंखां ॿुध छो त इन में तुंहिंजी भलाई आहे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। हमेशा मुंहिंजो चिंतन कर मुंहिंजो भगत थी ऐं मुंहिंजी पूजा कर मूंखे नमस्कार कर इन तरह तू विलासी मूं वटि ईंदे मां तोखे वचन थो ॾियां छो त तू मुंहिंजो प्यारो मित्र आहीं। सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मन के चले गए सिर्फ मुंहिंजी शरण में अच मां तोखे सभी पापन खां मुक्त करे छॾींदसि ब्रज न। इदं ते कितना तपस्काय नाहताय कदाचन न चाशु शुषमे वाचम् न च मां योऽभ्यसूयते।
ये मुझे ज्ञान उन्हें के ना बुधान पुरजे जेके ना तपस्वी आहे ना भगत आहे ना भक्ति में सेवा में लगन आहे आय ना ही परी उन्हें के जेके मूसा ईशा या वेद कथा या इमाम परमं गुरुयम मत भक्ति शुभिदास्यते भक्ति मरी परं कृत्वा मामे वैशत्य संशय जे को यु परम कुछ भक्त के बुधाए तो उन्हें शुद्ध भक्ति सेवा की खातरी आए ऐ बिचारे जो हो मोहन की तो मैं चदस मान मनुष्य जो कैशिन में प्रिय तृप्तमा भविता न चमी तस्मान अन्य प्रिय तरो भूमि ही न दुनिया में मानुन में को बियो कोने जेको मुखे एड़े शेवक खां वधिक प्यारो आहे नाई हुन खां वधिक प्यारो कनही को थींदो अद्येश्यते जय इमं धर्मं सन् संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्ट स्यामिति मे मति आई मां इहो चाहां थो त जेको बि असां जे हिन पवित्र वार्तालाप खे पढ़ी थिए थो उहो ॼण बुद्धिअ द्वारा मुंहिंजी सेवा करे थो श्रद्धावान न सूयश्च शुरुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा ऐं जेको माण्हू श्रद्धा सां मन में द्वेष कढी हिन खे ॿुधे थो उहो पाप कर्मनि खां मुक्त थी शुभ लोक में वञे थो जिते पुण्य कर्म कयल आत्माऊं रहनि थियूं कचिरे दश्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जय हे प्रथा बुद्धि जा पुत्र हे धन ते सो पाइण वारा छा तो मूंखे ज्ञान सां ॿुधो ऐं छा तुंहिंजो अज्ञान ऐं धर्म हाणे विझी वियो अर्जुन उवाच नष्टो मोह सिमृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मया श्रुत सिस्थोऽथि मे गतिरह विधि स्थितोऽस्मि गत सन्देह करिष्ये वचनं तव अर्जुन चयो सदा ही अडोल रहंदर मुझा प्यारा श्री कृष्ण मुझो मोह रूर थी चुको आहे तुंहिंजी कृपा सां मां हाणे पंहिंजी सूरत में वापिस आयो आहियां मां शक खां आजो ऐं मुहकम आहियां ऐं तुंहिंजे आदेश मुताबिक कम कंदसि संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादं मिमं श्रोषम् अद्भुतं रोम हर्षणम् संजय चयो इन रीत मुंहिंजे महात्मा श्री कृष्ण ऐं अर्जुन खे पाण में वार्तालाप कंदे ॿुधो ऐं इहो संदेश अहिड़ो त अद्भुत आहे जो मुंहिंजा वार उभा थी पया आहिनि व्यास प्रसाद श्रुतवान् एतत् गुह्यमहं परम् योग योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं व्यास मुनिअ जी कृपा सां मूं इहे ॿुधियूं ॻाल्हियूं खुद श्री कृष्ण जे वाता अर्जुन खे चवंदे ॿुधियूं आहिनि राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिदम् अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् हे राजन जिन्हनि मां अर्जुन श्री कृष्ण जे हिन पवित्र वार्तालाप खे वरी वरी यादि कयां थो त ख़ुशीअ ॾिसां गदगद थी वञां थो तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपत्यद्भुतम् हरे विस्मयो मे महान् राजन्
हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजा माँ बड़ी बड़ी करे भगवान श्री कृष्ण से उन अद्भुत रूप के आज्ञा तो हर मेरे खुशी में घर्षी बना तो। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनंजय तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् दुर्वाणीर्मतिर्मम। जिते जिते योगेश्वर श्री कृष्ण आए आई महान धनुषधारी अर्जुन आए उतरे उतरे बकसा सधाई धन संपत्ति अलौकिक शक्ति इकलाक आई सोब रहती मुझो मत पाए। श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्याय। अरुण अध्याय उनको अंतिम श्लोक है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् दुर्वाणीर्मतिर्मम। अर्थात जिते जिते भगवान श्री कृष्ण आहे ऐं जिते जिते उन जो भक्त आहे उते ही सोभ आहे उते ही श्री आहे। तात्पर्य अंतिम श्लोक जो पढ़ना तात्पर्य पढ़ासी भगवद गीता की शुरुआत राजा धृतराष्ट्र जे सवाल संकेत। उम्मीद हुई तो सदस पुत्र भीष्म द्रोण करण से मद से सोभारा थी जी आस हुई तो जीत सदस पुटन की थी थी। पर युद्ध भूमि जो नजारो बयान करे संजय राजा के चवे थो तो तू फतेहार थियण जो सोचे रो आई पर मुझे मत यो आए तो जिते जिते श्री कृष्ण अर्जुन आए उते खुश किस्मती रहती यो सिद्धो समाटो चवे थो धृतराष्ट्र पहिजे जयकार थियण की आशा न थो करे सके सो पक सा अर्जुन की तरफ थियणी आहे छो तो हुन पासे श्री कृष्ण आहे। श्री कृष्ण पारा अर्जुन जो साथी थियण ॾेखारे थो त श्री यानी संपत्ति के वट आहे। श्री कृष्ण समूरे धन दौलत सा भरपूर आहे जंहिंमें त्याग ठीक आहे। श्री कृष्ण जे त्याग जा अनेक मिसाल आहिनि छो तो श्री कृष्ण त्याग में माहिर आहे। असलियत में यह लड़ाई तो दुर्योधन और युधिष्ठिर के विच में हुई। अर्जुन तो पहले वरे भाव युधिष्ठिर के तरफा लड़ी रहे हो छाकाण तो श्री कृष्ण और अर्जुन युधिष्ठिर के तरफ हुआ इन कर युधिष्ठिर की जीत निश्चित हुई। जन्म इन लाए थी रही हुई तो दुनिया से हुकूमत केर करे संजय इहा अगत थी गई तो राजा युधिष्ठिर के तरफ या राज सत्ता युधिष्ठिर के तरफ हुआ इन करे युधिष्ठिर की जीत थियण निश्चित आहे। राज सत्ता युधिष्ठिर के हवाले थींदी हुन इहा अगत थी गई तो लड़ाई की तरफा कोई युधिष्ठिर जो सारो बुलंद थी तो छो तो हू न सिर्फ नेक ऐं धर्मात्मा आहे बल्कि महकम विलाप वारो हुन कूड़ कदम भी न गालो हो केतरा ही घटकल वारा मनु भगवत गीता के लड़ाई से मैदान में भी दोस्त के विच में कर कै विषय से थियल बहस मुबायसो लेखन था पर अहड़ी किताब के मुकदस शास्त्र न तो चई सकते के मनु एतराज उठाए उठाए सकन था तो कृष्ण अर्जुन के जन करण लाए भड़का रहे आहे जेका अनीति आहे पर हालत की सच्चाई साफ बुधाए बैठी आहे तो भगवत गीता इखलाक जी ऊंची हिदायत आहे। यह हिदायत नए अध्याय जे चौथे श्लोक में दिनी वही आहे। ममता भो मत भक्त मनुष्य लाए श्री कृष्ण जो भक्त थियण जरूरी आहे ऐं सभी धर्म जो तत्व इहो आहे तो श्री कृष्ण जी शरण वठो सर्व धर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रजा। भगवत गीता जो हिदायत जो धर्म ऐं ऊंचे इखलाक जो महान विधियूं आहिनि यो विधो मनुष्य के पाप बनाने वाले हुजन आई हेन विधि ताई पहुंचाए पर गीता जी आखिरी हिदायत धर्म आई इखलाक वाले आखिरी नसीहत आए। कृष्ण जी शरण वठो या गीता जी अरविंद अध्याय जी फतो आए। भगवत गीता मंझा असां के इहा बोझ पवे थी तो पंहिंजो पाण सुनाण लाइ फिलोसफी क्लास
ऐं ध्यान लगाने की कुवारी विधि आए पर श्री कृष्ण जी मुकम्मल शरण वन वरे में वरी पूर्णता आए भगवत गीता जी शिक्षाएं जो इहो ही सार तत्व आए वर्णाश्रम धर सृष्टि मुताबिक समाज के कायदे में हलाने जा उसूल ऐं धर्म में जानाए जुदा जुदा विधियो ज्ञान जो कुछ मार्ग थी सघन था जे तुणी धर्म जा कर्म कांड मुक्ति आहे पर ध्यान लगान ऐं ज्ञान पचाइण जो मार्ग वरी गुप्त आहे ऐं पूर्ण श्री कृष्ण सुरसीअ में भक्ति मई सेवा सा श्री कृष्ण जी शरण वठण जो रस्तो सभ खां गुझो आहे अरण अध्याय जो इहो ई सार आहे असली सच सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आहे या भगवत गीता जी भी खासियत आहे पूर्ण सत्य जे जाण किन किन तरह दे थी सके थी निराकार न अंतर्यामी परमात्मा अन विचार्य में परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण परम सत्य को पूर्ण ज्ञान जो मतलब आए श्री कृष्ण जो पूर्ण ज्ञान जरिक श्री कृष्ण जे ज्ञान थिए थी तो कोई ज्ञान जा ब्या सब खाता उन ज्ञान जो हिस्सो आहे श्री कृष्ण आध्यात्मिक आहे छो तो वो सदाई पंहिंजे अंदरूनी दायमा शक्ति में स्थित आहे सब जीव उन जी शक्ति में जा पैदा थियन था ऐं उहे बिन दर्शन में विरायल आहिनि हिकड़ा जेके दायमा माया जे असर हेठि आहिनि ऐं ॿिया जेके सदाई मुक्त आहिनि अहिड़ा जीव अणमया आहिनि ऐं उहे श्री कृष्ण जो अंश आहिनि भौतिक शक्ति चोवीह हिसनि में ज़ाहिर थिए थी जगत जो निर्माण दायमा काल तहत थिए थो ऐं उन जी पैदाइश ऐं नाश बहिरंग शक्ति द्वारा थिए थो ब्रह्मांड जो वजूद वरी वरी करे जाहिर थिए थो ऐं ॻाल्हि थिए थो भगवत गीता में पंज मुख्य मिशन ते रोशनी विधी वई आहे परमेश्वर भगवान भौतिक प्रकृति जीव दायमा काल ऐं हर प्रकार जा कर्म इहे सभ भगवान श्री कृष्ण ते आसरो रखनि था परम सत्य जे बारे में सब कल्पनाऊं निराकार ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा ऐं व्यादिव्य रूप ये सब भगवान जे ज्ञान तहत आहिन जेतोणीक बाहिरें भगवान जीव भौतिक कुदरत काल ये सब निराला लगन था पर असलियत में ये परम खान धार कोन आहिन लेकिन परम उन्हन खां सदाई निरालो आहे अचित्य वेदा वे चैतन्य महाप्रभु जो फलसफो आहे इन फलसफे अंदर परम सत्य जो ज्ञान अची वञे थो हर प्राणी पंहिंजे असली रूप में शुद्ध आत्मा आहे हो परमात्मा जो अणु मिसल जुज़ो आहे इन तरह भगवान श्री कृष्ण जे सिज के सिज खां भेट ॾिजे थी ऐं जीव जी रोशनीअ जे तिरोरीअ सां छो त सब जीव श्री कृष्ण जे हाशय वारी शक्ति आहे इन करे उन जो लाड़ो या त हाशय वारी शक्तिअ ॾांहुं या आध्यात्मिक शक्ति तरफ थिए थो ॿियनि लफ़्ज़नि में जीव भगवान जी इन टिनी शक्तिअ जे विच में स्थित हुजे थो ऐं जीअं त हिन जो संबंध भगवान जे पराशक्तिअ सां आहे तंहिं करे खेसि थोरी आज़ादी आहे हिन आज़ादी जे सही इस्तेमाल सां हू सिधो भगवान जे हुकम हेठि अचे थो इन तरह जीव पंहिंजे स्वाभाविक आनंद वारी हालत खे पाए थो अहिड़ी श्रीमद भगवत गीता जे अठे अध्याय जो निचोड़ संन्यास जी सिद्धि नाले वारो भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त थियो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ग्रंथ श्रीमद् भगवद्गीता की जय।